हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार सुवा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुवा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, टीचिंग स्किल के कारण चर्चित हुए खान सर एक बार फिर से सुर्खियों में है। खान सर इस बार एक विवाद में घिर गए। खान सर का एक छोटा सा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। खान सर एक बार फिर से ट्रेंड कर रहे। खान सर इस बार अब्दुल एवं सुरेश के चक्कर में फंस गए। सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड हो रहे, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। वैसे उनके बचाव में अब यूजर्स भी उतर आए। खान सर पहले भी विवाद में रहे हैं। उस दौरान खान सर पर रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के खिलाफ छात्रों के विरोध के बाद फैली हिंसा को भड़काने का आरोप लगा था। अगली खबर, बेगूसराय में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आपको बता दें कि बेगूसराय में सरकारी भूमि पर से अवैध अतिक्रमण हटाने का सिलसिला लगातार जारी है। शेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खाजहापुर पंचायत स्थित भितरियाही गांव में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को खाली करवाया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी को देखते ही अतिक्रमणकारी के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि 2 वर्ष पूर्व परिवादी अनिल महतो ने अतिक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन को एक आवेदन दिया था, जिस पर अब विधिवत कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से की गई। अगलकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री मुख्य सचिव आमिर सुबहानी पर भड़क गए। दरअसल भागलपुर से आए एक फरियादी ने जमीन पर कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत लेकर आए थे, जिस पर वहां पर मौजूद अधिकारी को सीएम ने सीएस को फोन लगाने को कहा। पहले तो उनका फोन लग नहीं रहा था, फिर फोन उठाने में देर होने पर मुख्यमंत्री नाराज हो गए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की क्लास लगा दी और कहा कि आप यहीं पर बैठे हैं और फोन नहीं उठाते। अगलकर, समस्तीपुर के सरकारी स्कूल की 7वीं की छात्रा ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। 14 साल की बच्ची का कहना है कि सर चॉकलेट देने का बहाना बनाकर गंदे तरीके से छूते हैं, स्कूल में किस करने की कोशिश करते हैं। घटना के बाद से लड़की डरी है, वो स्कूल भी नहीं जा रही। इधर उसके परिवार वालों ने गांव वालों के साथ मिलकर स्कूल में प्रोटेस्ट किया। परिवार शिक्षक पर कार्रवाई की मांग कर रहा था। ये मामला समस्तीपुर जिले के पटोरी प्रखंड क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय शाहपुर उंडी गाँव का है। अगलकर, चिराग पासवान पहुंचे अरवल। कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को देखते हुए आने वाले दिनों में लगे राष्ट्रपति शासन। अरवल जिले के एक सप्ताह के अंदर हुई 3 हत्याओं और अगलगी की घटना में मां बेटे की झुलसकर मौत के बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अरवल पहुंचे और जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पैदल मार्च किया और समाहरणालय में जाकर प्रभारी जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक हिमांशु शंकर त्रिवेदी को ज्ञापन सौंपा। चिराग पासवान पीड़ित परिवार से मिले और परिजनों को दुख की घड़ी में साथ होने की बात कही। चिराग पासवान ने कहा कि पूरे बिहार में अपराध की घटनाएं प्रत्येक दिन बढ़ रही है, जिससे अपराधियों पर नकेल कसने में बिहार सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अगलकर, सिंगापुर में लालू का ऑपरेशन हुआ सफल। बिहार में दुआओं का दौर जारी था। सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है। वो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर सहित दर्जनों बीमारियों से ग्रस्त है। उनकी बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी डोनेट किया। लालू के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने घर पर पिता के लिए रुद्राभिषेक किया। वहीं बिहार में समर्थकों ने यज्ञ हवन भी किया। राष्ट्रीय वैश्य महासभा बिहार की ओर से पटना के दरोगा राय पथ में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने हवन किया। अगलकर, लगातार दूसरी बार बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। अनिल हेगड़े ने कर दी घोषणा। ललन सिंह लगातार दूसरी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। इस पद के लिए वो निर्विरोध चुने गए। 3 दिसंबर को उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया था। उनके अलावा कोई दूसरा नॉमिनेशन नहीं किया। 5 दिसंबर को स्क्रूटनी के बाद उनके नाम की घोषणा चुनावी प्रभारी अनिल हेगड़े ने कर दी। इससे पहले पिछले साल जुलाई में ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। अगलकर, रोहतास में माले नेता की गोली मारकर हत्या, जमीनी विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की हो चुकी हत्या। रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के मुंजी गांव के बधार में दोपहर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृत युवक भैया राम पासवान विक्रमगंज थाना के बरुना गांव का निवासी है। बताया जा रहा है कि पुराने भूमि विवाद में घटना को निकट के रिश्तेदार के द्वारा अंजाम दिया गया। मृतक माले का सक्रिय राजनीति कार्यकर्ता बताया जा रहा। अगलकर, बेतिया में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड मामले में FIR दर्ज। बेतिया के नरकटियागंज प्रॉपर्टी डीलर राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली गई है। मामले में प्रॉपर्टी डीलर के पिता जलेश्वर श्रीवास्तव ने शिकारपुर थाने में FIR दर्ज किया है, जिसमें बरवा भरौली गांव निवासी मोहम्मद फिरदौस और मोनू शर्मा को हत्या करने के मामले में आरोपित किया गया, जबकि मोहम्मद फिरदौस के पिता शेख सोहेल अख्तर और भाई सवरेज अख्तर को घटना को अंजाम देने में षड्यंत्र रचने के मामले में आरोपित किया गया। अगलकर, बिहार में हर दिन पकड़ी जा रही 10,000 लीटर शराब, रोज हो रहे 1529 तस्कर गिरफ्तार। शराब की तलाश में हर रोज पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम 4,000 से अधिक छापेमारी कर रही है। नवंबर महीने में हर दिन औसत 10,000 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई, जबकि रोज 1529 लोग गिरफ्तार हुए। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि नवंबर महीने में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने 1,28,462 छापेमारी की,
जिसमें 45,876 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। अगली खबर, बिहार ने सुप्रीम कोर्ट से प्रोन्नति में आरक्षण मामले पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया और कहा कि 18,000 कर्मचारी प्रभावित हैं। बिहार में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST को प्रोन्नति में आरक्षण मामले का समाधान जल्द निकल सकता है। पिछले 10 वर्षों से प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होने के चलते बिहार सरकार के 17,000 से 18,000 पद खाली है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील PS पटवालिया ने मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट के सामने बिहार में प्रोन्नति में आरक्षण मामले का उल्लेख किया और जल्द सुनवाई करने की मांग की। अगली खबर, सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार कांग्रेस की कमान सौंपी गई। मदन मोहन झा की जगह लेंगे कांग्रेस की बिहार इकाई के अध्यक्ष की कमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को सौंपी गई है। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। वेणुगोपाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अखिलेश प्रसाद सिंह को सौंपी है। अगली खबर, भोजपुर में 3 तलाक देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मुरादाबाद के भोजपुर थाने में तैनात उप निरीक्षक सुधीर कुमार यादव ने गांव नेकपुर निवासी शरीफ पुत्र शब्बीर अहमद को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। आरोपी के खिलाफ पत्नी आसिफा ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने एवं 3 तलाक देकर घर से बाहर निकालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल आदि कराकर न्यायालय में पेश कर दिया है और उसे जेल भेजा गया।